अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे। आज के रिव्यू के लिए जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की है वो है सन डिफेंस SPF 60। आपने नोटिस किया होगा डर्मेटोलॉजिस्ट जब भी कोई स्किन ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके साथ SPF का इस्तेमाल लाजमी रिकमेंड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे SPF क्यों ज़रूरी है, SPF इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है, SPF किस तरह काम करता है और SPF 30 और 50 में क्या फ़र्क होता है। और इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने कम्प्लेक्शन के लिए आसानी से SPF सेलेक्ट कर सकेंगे कि आपको कौन सा SPF इस्तेमाल करना है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। अगर आप SPF का इस्तेमाल नहीं करते तो सन एक्सपोजर में जाने के बाद 10 मिनट बाद ही आपकी स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। और अगर आप SPF 30 भी इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 300 मिनट्स तक आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है जी। अब देख लेते हैं SPF की एक इजी गाइड। ये देखें, यहाँ पर जितने भी सन दिखाए गए हैं इनमें 100 फोटोन्स शो किए गए हैं। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते तो 100 फोटोन्स ही आपकी स्किन में एंटर होंगे। अगर आप SPF 15 का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन को 93% प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप SPF 25 इस्तेमाल करते हैं तो आपको 96% प्रोटेक्शन मिलती है। SPF 30 मींस 97% प्रोटेक्शन और SPF 50 मींस 98% प्रोटेक्शन। समझ लें SPF एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड है जो UVB रेज को फिल्टर कर देती है और हमारी स्किन को सन डैमेज से बचाती है। अब देखते हैं कि हमें हमारी स्किन के मुताबिक कौन सा SPF सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपने एक घंटे के लिए आउटडोर जाना है या सन एक्सपोजर में निकलना है और आपका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर है तो आपको SPF 15 का इस्तेमाल करना चाहिए। आप वीडियो को पास करके अपने कम्प्लेक्शन और आउटडोर एक्टिविटी के ड्यूरेशन के मुताबिक अपने लिए SPF सेलेक्ट कर सकते हैं जी। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का रिव्यू। और प्रोडक्ट है मेरे पास सन डिफेंस SPF 60 प्लस ऑयल फ्री क्रीम सन ब्लॉक। ऑयली स्किन वाले इसको बिला झिझक इस्तेमाल करें, इससे आपको एक्नी और पिंपल्स का कोई मसला नहीं होगा। अल्ट्रा हाई प्रोटेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB टेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। नेट वेट है इसका 30 ग्राम्स। और टर्न करते हैं और देखते हैं इसके क्लेम्स जी। ये सन ब्लॉक क्लेम करता है कि तमाम दिन आपकी स्किन की प्रोटेक्शन को मेंटेन रखता है, फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन को एलिमिनेट करता है और हर तरह के UVB रेज की शिद्दत को कम करता है, स्किन कैंसर से बचाता है। और ये भी क्लेम करता है कि ये इनविजिबल है, मींस नॉन ग्रीसी है, फोटो स्टेबल है, नॉन कमीडोजेनिक है। कमीडोजेनिक मींस आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, ब्लॉक नहीं करता। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स की कंप्लीट डिटेल दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप इसके इंग्रेडिएंट्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप मेलाज़मा या हाइपर पिगमेंटेशन के लिए कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और एजिंग साइन से बचाएगा। अब देख लेते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। आपने थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, अपने चेहरे पर लगाना है, अपनी नेक पर लगाना है और अगर चाहें तो अपने जो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं जैसा कि आपके हाथ, उन पर भी लगा सकते हैं। और आपने सन एक्सपोजर में निकलने से तकरीबन 30 मिनट्स पहले इसको अप्लाई करना है और इसे स्टोर करना है कूल एंड ड्राई प्लेस पर और बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत कलर में है और देखते ही ठंडक का एहसास होता है। इसकी कंसिस्टेंसी या टेक्सचर की बात करें तो वाकई लगाने के बाद फील नहीं होता कि आपने कोई भी सन ब्लॉक लगाया हुआ है। नॉन ग्रीसी है और वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता। वैसे तो इसे ऑल स्किन टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, नॉन ग्रीसी है और लगाने के बाद बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने कोई भी चीज़ अपनी स्किन पर अप्लाई की है। SPF नंबर के हवाले से अगर बात करें तो ये सनस्क्रीन 60+ है और एशियन स्किन टोन के हवाले से मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है जी। तो ये तो था हमारा आज का रिव्यू। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।